एक राजा था, वो रास्ते से गया गार्डन में घूमने, पैर पर एक कांटा चुभ गया और उसे बहुत बुरा लगा कि खून निकल रहा है, क्या किया जाए। सभा बैठाता है इंटेलिजेंट लोगों की और उनको पूछता है कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरे पैर में कांटा अगली बार ना चुभे जब मैं बाहर जाऊं। तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया, होशियार लोगों ने, कि लेदर हर जगह बिछा दीजिए, हर जगह अगर कारपेट जैसा बिछाया होगा तो कहीं पर भी आपको कांटा चुभेगा ही नहीं। तो दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया गया, नदियों में, नालों में, खेतों में, हर जगह इन लोगों ने लेदर बिछाना शुरू कर दिया। खेती वाले परेशान हो गए, आकर राजा से शिकायत करते हैं, कहते हैं राजा जी अगर आप हर जगह ये लेदर बिछा देंगे तो होगा ये कि हम खेती कैसे करेंगे, पानी कैसे पिएंगे, बीज कैसे बोएंगे, तो कुछ और तरीका निकालिए। ठीक है, फिर से सभा बिठाई गई और होशियार लोगों को वहां बिठाया गया और पूछा गया कि क्या किया जाए कि राजा के पैर में फिर अगली बार कांटा ना चुभे। डिसाइड ये हुआ कि जितने भी जंगल, गार्डन, हर एक जगह है वहां पर झाड़ू लगाया जाए और सारे कांटे, कचरा, पत्थर, सारी चीजें हटा दी जाए। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, लाखों लोग भिड़ गए, सारे लोग साफ सफाई करने लग गए, तो झाड़ू मारने की वजह से हर जगह धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, और वो सफोकेशन और खांसी होने लगी सबको। तो सब लोग आए वापस और कहने लगे राजा जी ये काम तो बहुत मुश्किल है, लाखों लोग सिर्फ यही काम में भिड़े हैं और इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, क्या किया जाए इसके लिए। फिर होशियार लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं हर जगह पानी डाला जाए ताकि वो सारी धूल नीचे बैठ जाए और खांसी लोगों को ना आए, हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। हर जगह हजारों एकड़ में पानी डाला गया, पानी की बहुत बर्बादी हुई। उसके बाद एक वहाँ पे खेडूत था, वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे राजा से मिलना होगा। राजा के पास जाता है और एक प्यारी सी लकड़ी की चप्पल बना के उनको देता है और उनके पैरों पर पहना देता है। और राजा सोचता है कि वाह, ये चप्पल जो मैंने अभी पहनी है, ये पहन के मैं कहीं पर भी जाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे कहीं कोई खिला चुभने वाला नहीं या कोई कांटा चुभेगा नहीं। यानी सोल्यूशन इतना आसान था लेकिन लोगों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। कॉम्प्लिकेशन ये था दोस्तों कि खुद को बदलने की बजाय, खुद के पैरों में चप्पल पहनने की बजाय पूरी दुनिया को बदलने चला था। और हमारा प्रॉब्लम वही है, हर एक इंसान सफल जरूर होना चाहता है लेकिन बदलाव वो बाहर लाना चाहता है कि मेरी मम्मी बदल जाए, मेरे पापा बदल जाए, मेरे बॉस बदल जाए, हर एक दुनिया का इंसान बदल जाए, मेरी तरह रहने लगे ताकि मैं काम कर सकूं, सफल हो सकूं। ये पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं ना, एक चीज़ करिए, अपने आप को पहले बदलिए। जैसे ही आप बदलेंगे ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया आपके हिसाब से बदलना शुरू कर देंगी।